में एक राजा रहता था, जिस राजा का नाम था कंस। वो बहुत बदमाश था, सबको रोज परेशान करते रहता था। वो अपनी बहन को शादी करवा के ले जा रहा था, तो ऊपर से भविष्यवाणी हुआ कि कंस, तुम्हारी बहन का आठवां बेटा तुमको नष्ट करेगा। तो कंस तो डर से हो गया, कांप गया। फिर वो दोनों रिश्ते को जेल में डाल दिया, नए नए शादी के रिश्ते को। धीरे धीरे करते करते इनको बच्चा होते गया, सातवां आठवां। तब आठवां जब बच्चा हुआ तो ऊपर से फिर बदमानी हुआ। सुनो, तुम अपने उस समुद्र के उस पार मथुरा में अपने मित्र के पास इसको पहुंचा दो, और उस मित्र का बच्चे को इधर ला दो। तो वैसे ही किए। जब वो समुद्र में चल रहे थे तो बारिश हो रही थी बहुत जोर से, और यहाँ तक उनके पानी आ गए थे। तब एक दस सर वाले नागिन ने उनके ऐसे सर में डाल दिया अपना सर, और उनको बारिश से बताया, छतरी का काम किया। तो मथुरा में जो उनके मित्र थे, उनकी पत्नी अपने बच्चे के लेके सोई हुई थी, तो उनके बच्चे का धीरे से वो निकाले और अपने बच्चे को धीरे से उनके अंदर डाल दिए, और उनके बच्चे को लेके वो जेल में जल्दी गए और कंस को दे दिए मारने के लिए। जब वो उठी, अच्छे से पाले पोसे उन्हें, बहुत अच्छे से पाले पोसे। वो रोज चोरी करते थे। इसी बात पे मनाया जाता है ये फेस्टिवल, जन्माष्टमी। थैंक यू।